बालाघाट अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थ संविदा कर्मियों एवं ग्राम रोजगार सहायक के सभी लोगों ने अनुबंध प्रथा समाप्त कर नियमितीकरण एवं अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कमलनाथ सरकार से कि आपने चुनाव के समय वचन दिया था संविदा कर्मियों को 90 दिवस के भीतर नियमित किया जाएगा, लेकिन वह वचन पूरा नहीं हुआ, जिसके चलते ही अब ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इस दौरान अगर देखा जाए तो विनोद वाटी ने बतलाया कि खासकर रोजगार सहायकों को तो आज तक नियमित नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि मनरेगा उपयंत्री एवं एई की सेवा यथावत रखी जाए, समस्त संविदा कर्मियों को नियमित कर्मचारी के समान भत्ता भी मिले, शासकीय बीमा का लाभ भी मिले, तो वहीं तमाम सुविधाएं भी उन्हें दी जाएं। डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के मनरेगा संयोजक। क्या मांग है मैडम? बस हमारी एक छोटी सी मांग है, जो अनुबंध प्रथा चालू हुई है वो समाप्त कर दी जाए। अगर से ये नहीं होगा तो हम लोग 11 मार्च से अनिश्चितकालीन करना प्रदर्शन। एक मनरेगा और दूसरा एक आजीविका मिशन, इनमें जो इनके आयुक्त हैं और सीओज हैं जो प्रदेश लेवल पे बैठते हैं, इन्होंने जो लेटर जारी किया है उससे इन्होंने संविदा के शोषण को अधिक बढ़ावा दिया है। लेटर में इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपको 31 मार्च 2020 को आपकी सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी, आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी, आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, आप शासन के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं से ये पूरी जो इन्होंने मांग हमारे को जो आदेश जारी किया है, हमारे मानव अधिकार तक का इन्होंने हनन कर डाला है। भाई यदि हमारे छोटा सा तुगलकी फरमान है, हमारा जो विरोध है इसी तुगलकी फरमान को लेकर के है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के हमारे ग्रामीण विकास विभाग के जो एसीएस महोदय हैं, उन्होंने अभी पिछली जो मीटिंग हुई थी छिंदवाड़ा में, उन्होंने वहां पे स्पष्ट कहा, हमारे संघ ने वहां भी ज्ञापन, एक दिवसीय कार्यक्रम यदि हमारी मांगों को 11 मार्च तक संज्ञान में न लेकर के आदेश की वापसी नहीं होती है तो निश्चित रूप से पूरा संविदा समाप्त उग्र आंदोलन करेगा,